अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी दोस्तों, ट्राला कल्टी हो गया जी अज साडे रोड ते, और गन्ना है सी तकरीबन इहदे ते कोई 1300 मन लोड, और ट्रैक्टर है जी बायलार्स MTZ 50, मॉडल होना कोई 1994-95 दे लगभग। बाकी अगर थानू पता होवे ते दस देना कमेंट्स दे विच। मसला की बनया जी, गन्ना दी लद निकल गए सी एक साइड नूं, गन्ना मतलब है एक साइड नूं अपना खिसक गया सी, और उंदी वजह तो ट्राले दा वजन एक साइड ते हो गया सी, और ए पिछले टायर दे रकाबां टुट गईआं, इस दे स्टड और जिहड़ी फिटिंग वगैरह होंदी रकाबां ही बोलदे अक्सर इहनूं ड्राइवर, ए दीआं टुटियां और ट्राला जिहड़ा ओह कल्टी हो गया, होर कोई वजह नहीं सी। बाकी अपना लोडिंग भी ज़्यादा सी, बस लोडिंग तो फिर होंदी होंदी है, सही है, लेकिन यह कि ज़्यादा लोडिंग तो गुरेज करनी चाहिए, अपनी जान भी खतरे नहीं पानी चाहिए और दूजियां दी भी। बाकी गन्ने का भी नुकसान है, रोड का भी नुकसान है। गन्ने का नुकसान इसलिए हो जाता है कि जो ट्राला कल्टी कर जाए फिर गन्ना ज़ाया हो जाता है, तकरीबन 100-150 मन गन्ना जिहड़ा ना आराम नाल ज़ाया हो जाता है। उस तो अलावा भी ट्राले का भी बहुत नुकसान हो जाता, हुण तुसीं आप देख लवो जिन्ना ट्राले का नुकसान हो गया, कम अज़ कम जिहड़ा ना 1-1.5 लाख रुपए का नुकसान हो गया ट्राले का, जिहड़ी इहदी फिटिंग वगैरह टुट गई थल्ले। बाकी ट्रैक्टर महफूज है, ट्रैक्टर नूं कुछ नहीं होया, ते गन्ने का भी नुकसान है, ट्राले का भी नुकसान है, उस तों इलावा रोड का भी नुकसान है। इस ट्राले ते मैक्सीमम 1000 मन लोड होना चाहिए, इस तों ज़्यादा नहीं। असीं किन्ना पा लैंदे आ, 1300 मन, 1400 मन, ईवन कि 1800 मन तिकर भी इन्हां ट्रालियां ते लोड पाया जांदा, सही है, लेकिन जिस तरह साडे टुटे फुटे रोड हैगे इस ते ज़्यादा लोड नहीं पाना चाहिए इस तों, कि बाकी रोड ते आन जाण वाली ट्रैफिक भी डिस्टर्ब होंदी, लोकां दी जानां खतरे च पाण दा फायदा कोई नहीं, अपने फायदे वास्ते बाकी नूं डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए।